नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक ऐसे प्लांट्स, ऐसे कुदरती प्रेजेंट चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ में। टॉप 10 ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स मेडिसिन जिनको दवाइयों के तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है और आप ले सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। तो क्या है ये, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जामुन। जी हाँ, जामुन, जामुन का फ्रूट और सीड ये दोनों ही डायबिटीज़ के खिलाफ बहुत एक्टिव हैं। जामुन के अंदर एक सब्सटेंस होता है जैम्बुलिन, और ये इसका जो सीड है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी सारे आयुर्वेदिक यूनानी चाइनीज़ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में काफ़ी रेगुलरली यूज़ होता है। शुगर, हाई शुगर, हाइपर ग्लाइसीमिया को ठीक करने में, अगर शुगर बढ़ जाती है उसको ठीक करने में इसका बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फ्रूट भी इस्तेमाल होता है। इसके फ्रूट के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा है। इसके फ्रूट से विनेगर और वाइन भी बनती है। तो पहला इंग्रेडिएंट हुआ जामुन। दूसरा सेकंड नंबर पे है बर्बेरिस। बर्बेरिस एक पॉपुलर ट्रीटिंग जिसके बहुत सारा इलाज होता है बर्बेरिस से, बहुत सारे उसके अंदर जो बर्बरीन नाम का एक कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट होता है बर्बरीन, इसको भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बोला जाता है कि ये एक डायफोरेटिक और डायूरेटिक है, एक तरीके की टॉनिक है जिससे कि आप जॉन्डिस जैसे लिवर खराबी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, डायरिया हो, क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड प्रॉब्लम हो, यूरिनरी डिसऑर्डर हो, इन सब में यूज़ करा जाता है। तो बर्बरीस डायबिटीज़ में भी यूज़ होता है, राइट। सो बर्बरीस एक एलिमेंट हुआ, सेकंड चीज। थर्ड नंबर पे है गुडमार। गुडमार उसका प्राइमरी अंदर, उसके अंदर केमिकल होता है जिमनेमिक एसिड। ये क्या करता है, ये आपको जो स्वीट मीठा लगता है कुछ मीठा खाने में उसको सप्रेस करता है, तो आपको मीठा अच्छा नहीं लगता, तो आप मीठा खाने में मज़ा नहीं आता, तो मीठा कम खाते हो, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर्स, ऐसा बोला जाता है। बेसिकली इसको रिसर्च में भी देखा गया है कि ये टेस्ट बड से स्वीटनेस को कम कर देता है, प्लस ये भी देखा गया है कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो शुगर का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी कम करते हैं और थोड़ा बहुत इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ाते हैं, पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो मोटा मोटा गुड़मर इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटीज, राइट। थर्ड फोर्थ चीज़ है करेला। जी हाँ, करेला जो आपके घर में है बनता है, बहुत कॉमनली खाया जाता है, पता है लोगों को भाई डायबिटीज़ में कड़वी चीज़ें अच्छी होती हैं, बेसिक कड़वा और डायबिटीज़ मीठा। तो ये करेला बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, कैंसर प्रिवेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, फीवर के लिए, एचआईवी एड्स इन्फेक्शन, किसी प्रकार के इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटिव मेडिसिंस में। लैब के अंदर लेबोरेटरी स्टडीज़ में भी इनकी एक्टिविटी देखी जा रही है कि इसमें अच्छा पोटेंशियल है इन चीज़ों में, लेकिन अभी स्टडीज़ इसमें चल रही है, लेकिन फिर भी दिस इज़ अ गुड इन्ग्रीडियंट, अच्छे से यूज़ होता है, राइट। उसके बाद नंबर आता है हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी आपके घर में जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, ये भी आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसके अंदर होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन एक पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है और अभी ज़्यादा तरीके से पहचाना गया है इसको। कुरकुमिन जो है आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियॉन भी बढ़ाता है, डायबिटीज़ में भी कंट्रोल रखता है, आपके अंदर इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, राइट, बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए, डायबिटीज़ को हेल्प करने में काम करता है। फिर आता है विजयासर। विजयासर एक अगेन प्लांट है, एक मतलब एक ट्री है, उसका जो हार्ट वुड है वो हार्ट वुड उसका जो एंटीबायोटिक और हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन देखा गया है, उसको इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है और शुगर कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हार्ट वुड को। उसमें से जो किनू गम निकलता है, गम उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जब वो उसमें वुड में इंसीजन मार के गम निकालते हैं तो वो एक एस्ट्रिंजेंट है, एंटी डायरियल है यानी डायरिया लूज मोशन के लिए, और एंटी हीमोरेजिक भी है, मतलब अगर खून बह रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है गम को, जी हाँ लिटरली। और उसके जो लीव्स हैं, उसके जो पत्ते हैं, वो चमड़ी के बीमारियों में, स्किन प्रॉब्लम, बॉयल, सोर, स्किन डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है। विजयासर इज गुड, इज यूजफुल। फिर नंबर आता है नीम का। जी हाँ, नीम किसको नहीं पता, नीम भैया सिद्ध और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सब इसको बोलते हैं ये एंटी हेलमेंटिक है, एंटी फंगल है, एंटी डायबिटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल,
ये सिडेटिव भी है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, कॉन्ट्रासेप्टिव भी है। जी हाँ, नीम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, नीम के अंदर बहुत सारा एक्चुअली पोटेंशियल भी है, इसलिए उसको स्किन की बीमारियों में दिया जाता है, हेयर के लिए, लिवर के लिए दिया जाता है, और नीम से शुगर लेवल भी कम होता है, ये रिसर्च में देखा गया है। स्किन के लिए एक्जीमा, सोरियोसिस, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, नीम इज़ गुड, राइट। लेकिन आपको ये समझना होगा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी है, ऐसा नहीं कि नीम ही नीम खा रहे हैं एक एक किलो, राइट। सो एक लिमिट सबकी ज़रूरी है। फिर बात है फिर आया शिलाजीत। शिलाजीत भी लोग लेते हैं डायबिटीज़ के लिए। उसमें है क्या, उसमें होता है फुल्विक एसिड, जो मेन इंग्रेडिएंट है फुल्विक एसिड। ये फुल्विक एसिड येलो ब्राउन सब्सटेंस है शिलाजीत में। इसके बहुत सारे एक्शन है बॉडी के अंदर। आपके बॉडी में कोई एलर्जिक सिम्टम बन रहा होगा तो उसका रिएक्शन बनते हुए ये रोक देगा, एलर्जी को थोड़ा कम करेगा। आपकी जो ब्रेन के अंदर जो डिमेंशिया है, याददाश्त कमज़ोर होने से उसके स्टेप्स को ये थोड़ा सा स्लो कर देता है, कैंसर के ग्रोथ को भी स्लो करते हुए इन्फ्लामेशन को भी स्लो, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी देखा गया है, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग, इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देखा गया है फुल्विक एसिड में शिलाजीत में। प्रॉब्लम शिलाजीत में है प्योरिटी की, प्योर शिलाजीत नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम आती है। फिर इंग्रेडिएंट आएगा फेनुग्रीक। फेनुग्रीक नोवा इंग्रेडिएंट हमारा, फेनुग्रीक यानी कि जो मेथी है, मेथी के जो दाने हैं, राइट। सो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेनुग्रीक सीड के एक्सट्रैक्ट्स अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो शुगर कम होती जाएंगी कुछ ही महीनों में, ये बहुत प्राइमरीली काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है बिटर गार्ड। बिटर गार्ड भी एक एंटी डायबिटिक इफेक्ट रखता है, इसके अंदर ऑब्वियसली कड़वा है और बिटर यानी इंसुलिन को भी ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, और बीटा सेल्स आपके पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन बनाने के लिए। तो ये बिटर गार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है आयुर्वेदिक चाइनीज़ हर्बल मेडिसिंस में। तो लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और अभी आपकी एलोपैथिक दवाइयां चल रही हैं, तो आपको ये समझना होगा कि एलोपैथिक दवाई बंद करके, इंसुलिन बंद करके तुरंत ये चीज़ें नहीं चालू कर सकते, वो हानिकारक होगा, उसमें रिस्क हो सकता है। हो सकता है आपकी इंसुलिन चल रही हो तो एकदम से यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे आयुर्वेदिक में शिफ्ट होना है, तो आपको एक डॉक्टर से हेल्प लेनी होगी, आयुर्वेदिक या मेडिसिन के डॉक्टर को, एलोपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर से हेल्प लेनी होगी। और क्या करना होगा, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है एलोपैथिक दवाओं से भी, इंसुलिन से भी, तो अगर आप आयुर्वेदिक दवाएं लेना चाहते हैं तो याद रखिए यहाँ 3 चीज़ें काम करती हैं। आपको डाइट में कंट्रोल करना होगा, कार्बोहाइड्रेट कम खाना होगा, आयुर्वेदिक दवाएं शुरू करनी होगी छोटे डोज से, साथ ही एलोपैथिक दवाएं थोड़ी थोड़ी कम करनी होगी, और शुगर लेवल रोज़ मॉनिटर करना होगा, फास्टिंग ब्लड शुगर। आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, कि फुल डोज एलोपैथिक भी चल रही है, फुल डोज आयुर्वेदिक भी चल रही है, गलत। या एलोपैथिक बंद कर दी, फुल डोज आयुर्वेदिक चल रही है, हो सकता है शुगर बढ़ जाए, कंट्रोल ना हो। सो इसलिए बेवकूफ़ी नहीं करनी है, एक डॉक्टर की निगरानी में आप स्विच ऑन कर सकते हैं आयुर्वेदिक से एलोपैथिक ट्रीटमेंट को, लेकिन वो भी ट्रायल लेना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किसी में काम कर रही है, किस में नहीं कर रही, क्योंकि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, काम तो करते हैं, किसी में ज़्यादा डोज लगता है, किसी में कम डोज लगता है, किसी को रेगुलरली काम हो जाता है, किसी का नहीं होता, बिकॉज इसके ऊपर स्टडीज़ अभी चल रही है, लेकिन ज़रूर ये काम करती है, नो डाउट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ देम, यूज़ इट विथ गाइडेंस अंडर आयुर्वेदिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर, अंडर योर जनरल फिजिशियन, अंडर योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हो। 100 के आसपास आपको आपकी शुगर मेंटेन करनी है, फास्टिंग ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से नीचे है, 80 से नीचे है, तो फिर आप अपनी एलोपैथिक दवाई कम करेंगे, आयुर्वेदिक दवाई बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और एक टाइम के बाद फिर आप स्विच ऑन कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवा पे। यहाँ तक कि जैसे अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हो, ये भी समझ सकते हैं कि पूरी दवाई बंद करके डाइट पे भी कंट्रोल कर सकते हैं आप अपनी डायबिटीज़ को, अगर आपको सही नॉलेज सही ज्ञान है तो। बहरहाल ये दवाई यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ के लिए। अगर आप बोलेंगे सर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे लेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक दवा जो कि एन वेदा की दवा है, SMB कैप्सूल, शुगर मैनेजमेंट एंड बैलेंस कैप्सूल। इसके अंदर बेसिकली ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उठा के इन्होंने एक फॉर्मूले बनाया है, फॉर्मूलेशन बनाई है, ये आयुष द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
आपकी सर्टिफाइड है। इसमें क्या क्या है, इसमें इन 10 में से 8 चीज़ें हैं। जामुन है आपका, बर्बेरिस है, गुड़मर है, करेला है, टर्मरिक हल्दी है, विजया सर है, नीम है और शिलाजीत है। तो इसमें इनका एक कंपोजिशन बनाया है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है तो आप सुबह शाम गोली खाइए, अगर थोड़ी बहुत आपको सिर्फ शिफ्ट शिफ्ट करना है आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो एक गोली खाइए, और शुगर रोज़ मैनेज करिए, और अपने डॉक्टर से जाके मिलिए रेगुलरली कि भाई अब मेरा लेवल आ गया है या नहीं। अगर आप उसमें और हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करने के लिए जो लिंक्स हैं वो ऊपर और नीचे आ रहे हैं, ऊपर और नीचे हिंदी और इंग्लिश में, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हुई बातचीत डायबिटीज़ के बारे में। इस कैप्सूल के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप नीचे लिंक से ये कैप्सूल्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट हो, डायबिटीज़ का हो, ब्लड प्रेशर का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटरिंग। तो ब्लड शुगर, फास्टिंग, खाली पेट सुबह सुबह ज़रूर चेक करें, वो लो ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए। तो इसी के लिए आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से या हमसे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।